अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा अभी देखिए, फजर का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। अभी नमाज़ पढ़ के मैं निकला हूँ दरगाह शरीफ के लिए। तो हज़रत पीर हाशिम नस्तकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है, तो शहर हैदराबाद में आते ही बल्ला गुड़ा के सेट आता है दरगाह शरीफ। इंशाल्लाह वहाँ जाके ज़्यारत कराऊँगा आपकी वहाँ की, और जो भी औलिया अल्लाह की करामत है वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊँगा वहाँ पर जाके। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मैं जाके ज़्यारत कराऊँगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आ गया हूँ दरगाह शरीफ पर। यहाँ से स्टार्टिंग है दरगाह, ये सीढ़ियाँ हैं दरगाह पे जाने के लिए। तो चलिए दरगाह के ऊपर बताऊँगा आपको। दरगाह जो है पहाड़ पर है, ये रास्ता है, यहाँ सीढ़ियों से जाना है पड़ेगा दरगाह पे जाना है। घर से मैंने पैदल आया हूँ दरगाह पे। यहाँ पर सांस फूल रही है मेरी, अभी ऊपर चढ़ना है। आप अभी देख सकते हैं मंजर, अभी 6:11 हो रहे हैं। अभी और ऊपर चढ़ना है। ये गेट है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकार की करामत है, असल सही जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की करामत है। यहाँ पर आपको बताता हूँ, मेरी सांस फूल रही है, अभी ऊपर आया पहाड़ पर। वैसी कहीं सी नमाज पढ़ेगी सरकार, ये देखिए पत्थर पर सरकार के कदम मुबारक है। ये मंजर देखिए आप, बहुत हसीन मंजर है ये दरगाह शरीफ का। अभी सूरज निकल रहा है, अभी निकला नहीं है, निकल रहा है। चलिए अंदर जाके बताता हूँ आपको। देखिए, यहीं से सरकार नमाज अदा करे सोए। पहाड़ की चट्टान पर सरकार का बना सो है, दो हाथ है सर का, है घुटने हैं, देखिए खदमे मुबारक है। एक ज़िंदा करामत है ये सरकार की, जो कई पीढ़ियां गुजरे बाद भी इसे याद रखेगी। अभी आपको हाशम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्लाए मुबारक। नमाज अदा करके जब जा रहे थे सरकार, तो वही चीज़ का आया हुआ है। मैंने चप्पल उतारा था, अदब का मुकाम है तो अदब से ही पेश आना चाहिए। यहाँ पर अब देखिए चट्टान पर बने हुए निशान, पूरे खदमे मुबारक है सरकार के। इसलिए वाइट चूना मार दिया गया कि कोई कदम ना रह गए यहाँ पर। चलिए अभी ऊपर जाके बताऊंगा।
बहुत हसीन मंज़र है दरगाह शरीफ का। इंशाल्लाह आपको एड्रेस और पूरा हर चीज़ आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। या मेरे सर करम या वली सलाम अलैकुम। हम देखिए दरवाज़ा जो बंद है ना, यहाँ पर हाशम पीर रस्ते की रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक है, इसके अंदर ही है। अभी तो खुलेगा सवेरे 8 बजे के टाइम, तो चिल्ला बनाया गया है उसका खाली हाशम पीर रस्ते की रहमतुल्लाह अलैह का। अब ये मंज़र देखिए आप, यहाँ पर जो मज़ारात है ये उनके खादिमों के मज़ार। पूरे खादिमों की मज़ार शरीफ है, हम देख सकते हैं। ये वज़ू खाना है दरगाह में जब हाज़िरी ना है तो, ये वज़ू खाने के लिए छोड़ी गई सो है। ये दरगाह का बैक साइड है, ये पिछला हिस्सा है। देखिए यही मुकाम है जो सरकार के टाइम से है, यहाँ पर जैसे जलाल शाह तो यहाँ पर वजू करते थे उन्होंने। अभी पानी के अंदर खाई लगी सो है। अभी सूरज निकल रहा है थोड़ा सा, आप देख जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखिए थोड़ा सा निकल रहा है सूरज। ये मस्जिद है बाजू में, यही मज़ार शरीफ है। जो खादिम लोग होते हैं ना दरगाह के, तो उनकी मज़ार शरीफ है जो औलाद से है सरकार के। ये दरगाह की मस्जिद है। चलिए ऊपर, यही जो अभी आपने जो ख़दमे मुबारक जो देखे हैं पहाड़ पर, तो सरकार के चाहिए हज़रत सैयद जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह के हैं। तब ऊपर चढ़ेंगे, उनकी भी ज़ियारत करा दूंगा आपको। चलिए बिस्मिल्लाह या सरकार। चलिए ऊपर आ रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं यही मज़ार शरीफ है जो झाड़ों से घेरी हुई है सरकार। चलिए वो साइड से बताता हूँ। देखिए सरकार के टाइम का झाड़ है, जैसे जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह के टाइम का झाड़ है। देखिए कितना बड़ा हो गया, सो यहीं पर बैठा करते थे, यहीं पर बैठ के जिक्र अस्कार करते थे सरकार। देखिए नीचे और एक मज़ार शरीफ है, मस्जिद है, दरगाह की मस्जिद है जो नमाजियों के लिए जो आते हैं मुसाफिर लोग यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं दरगाह पर। देखिए बाहर का मंज़र है ये, अभी आप जो आपको जूम करके बताता हूँ। देखिए ये फलकनुमा पैलेस है, मीर उस्मान अली ख़ान का ये पैलेस है, ये जो यहाँ से देखे तो दिखता है, इसे फलकनुमा पैलेस कहते हैं। देखिए पूरा मंज़र,
یعنی پیر کا نشان مبارک. چلیے اب اندر جا کے زیارت کروں گا. اللهم صل على سيد نبينا مولا محمد. اللهم صل. دیکھیے پہلے دھوپ کی روشنی یہیں پر آ رہی ہے سرکار کے مزار شریف پر. بہت قدیم مزار شریف ہے یہ سرکار کی. دیکھیے اب سورج نکل گیا ہے. چلیے انشاءاللہ اللہ حافظ. دعاؤں کی گزارش میں دو صاحب آپ کے پاس شیئر کریے ویڈیو کو اور ہمیں سپورٹ کریے جلد سے جلد اور ہی ویڈیو اپلوڈ کر سکے. بولے دعا کریں انشاءاللہ. اللہ حافظ.